हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू और आज आपका गोभी किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी हमारे जैसे हाउसवाइफ के लिए या फिर वर्किंग वूमन के लिए या फिर बिगनर्स के लिए जो घंटों किचन में टाइम नहीं बिताना चाहते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ लगभग आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही बिता देते हैं। पर अगर हम कुछ ऐसे DIY यूज़ करें ताकि हमारा समय बचे और हम थोड़ा हमें अपने लिए भी टाइम मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट रोज़ ही लगता है, लगभग रोज़ हर सब्ज़ी में आप यूज़ करते हैं, तो अदरक लहसुन को मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा है और उसे अच्छे से हमने पील कर लिया है। और ओवरनाइट रखने की वजह से वो फटाफट से हाथों से मैश करने से निकल जाता है। और जो भी लहसुन थोड़े ख़राब दिख रहे होंगे उसे आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि वो पूरे पेस्ट को ख़राब कर देगा और महीनों तक स्टोर नहीं हो पाएगा। अगर आप एकदम बिल्कुल फ्रेश यूज़ करते हैं तो महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। और इसे मैंने अच्छे से छिलका उतार लिया है और ये मैंने लिया है अदरक। और अदरक लहसुन का पेस्ट आप जब भी बनाते हैं तो आपको आप अपनी इच्छा अनुसार जितना आपको अदरक डालना हो या लहसुन डालना हो उतना आप डाल सकते हैं। और अदरक के छिलकों को भी मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, तो अदरक को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, क्योंकि अच्छे से वो पीसने में आसानी होगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अदरक वैसे ही रह जाता है, तो इसे हम कट कर लेंगे तो अच्छे से वो बारीक पीस सकते हैं हम उसे। और इसे हम थोड़ा सा सुखा लेंगे, क्योंकि अगर वो पानी वाला रहेगा तो आप ज़्यादा तक इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी सब्जियों में खड़े लहसुन का भी यूज़ होता है, जैसे हम चिकन वगैरह बना रहे हैं तो बहुत लोग खड़े लहसुन का भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे आप उसे अच्छे से धोकर किसी भी कंटेनर को उसे अच्छे से सुखा लें, और लहसुन भी बिल्कुल अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, 2-3 महीने तो आराम से चलेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और मैंने जो बचे हुए हैं ना लहसुन और अदरक जिसे मैं पेस्ट बनाने वाली हूँ, उसे मैंने अच्छे से किसी तौलिए पर आप अच्छे से सुखा लीजिए कि पानी उसका बिल्कुल सूख जाए, बिल्कुल नहीं थर जाए। और उसके बाद आपको जितना भी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना हो वो आप डाल सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसमें कुछ भी अभी ऐड नहीं किया है और उसे अच्छे से मैं मिक्सर में पीसने वाली हूँ। और अगर आप चाहें तो दरदरा रख सकते हैं या फिर बिल्कुल मार्केट जैसा महीन भी कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मैंने इसे फ़िलहाल दरदरा किया है और इसमें मैं प्रिजर्वेटिव के लिए डाल रही हूँ ऑयल। ये डालेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, मैंने बिल्कुल मार्केट जैसे में मिलता है ना वैसे मैंने इसे पीस लिया है, ना बहुत महीन किया है और ना ही ज़्यादा दरदरा रखा हुआ है। और इसे आप ऐसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, महीनों तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये घर का बना हुआ है और बिल्कुल फ्रेश है, तो आप इससे समय बचा सकते हैं किचन में। अब घंटों आपको लहसुन अदरक बार बार छीलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने बताया था ना, अदरक के छिलकों को मैं वेस्ट नहीं करने वाली, तो उसे मैंने पहले से भी ओवरनाइट भिगो कर रखा था और अच्छे से उसका छिलका उतार के उसे सुखा लिया। बिल्कुल सूख जाए तो आप उसे चाय पत्ती में डाल के रख सकते हैं। और ये मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी। ये हमारे खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करती है और बहुत ही अच्छी लगती है, स्वाद इसका बहुत ही अमेजिंग लगता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें मैंने डाला है 1 छोटा प्याज, धनिया, पुदीना, थोड़ी सी अदरक और 1 मिर्ची, नमक और थोड़ी सी ऑयल। इसमें मैं डाल दूँगी 1 बड़े नींबू का रस, मैंने पूरा डाला है, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने पानी। और इसे बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है, जैसी आप कंसिस्टेंसी का रखना चाहते हैं वैसी चटनियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये भी बिल्कुल 15 से 20 दिन तक बिल्कुल अच्छे से रहती है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसमें जो लेमन और पुदीने, इसकी फ्रेशनेस से बहुत अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करती है और बहुत ही यम्मी है। तो आप ये चटनी ज़रूर बनाइएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ऐसी ईजी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और 4 पर लिया है मैंने धनिया, पुदीना, करी पत्ता और जो भी ग्रीन सब्जियां, उसे लंबे समय तक आप स्टोर कैसे करेंगे, तो ये मैंने लिया है पुदीना। अक्सर अभी ऐसा चल रहा है लॉकडाउन, तो बार बार बाहर तो जा नहीं सकते, तो आप जब भी लेकर आते हैं या ऐसे भी अभी लॉकडाउन है बट पहले भी और ऐसे बाद में भी, आप जब भी हरी सब्जियों को लेकर आएँ, अगर लंबे समय तक धनिया पत्ती, करी पत्ता और स्टोर करना चाहते हैं तो आप ऐसे तोड़ लीजिए और उसके पीछे का जो हिस्सा है उसे निकाल लीजिए और अच्छे से 2 से 3 पानी में से वॉश कर लीजिए, ताकि पुदीना वगैरह में वो ब्लैक ब्लैक लगा रहता है, मिट्टी जैसा कुछ, उसे आप अच्छे से निकाल दीजिए, नहीं तो बहुत जल्दी पत्तियाँ गलने लगती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि पत्तियाँ गलना ही शुरू हो जाती हैं, हरी पत्तियाँ, तो इसे आप अच्छे से धो लीजिए। मैंने करी पत्ते को, पुदीने को और धनिया को भी अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद इसे हम सुखाने वाले हैं। जैसे मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे से
सुखा लिया था पंखे के नीचे, वैसे ही हम कपड़े पे इसे फैला देंगे और अच्छे से हम इसे सुखा देंगे। और सुखाने के बाद ये मैंने लिया है टिश्यू पेपर, कोई भी आप एयरटाइट कंटेनर लीजिए या ऐसे भी कोई डब्बा है तो लीजिए, और जब वो सूख जाए पत्तियाँ अच्छे से उसके बाद आप ऐसे फोल्ड करके रख सकते हैं। 15 से 20 दिनों तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल ऐसी ताज़ी की ताज़ी ही रहेंगी। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो नॉर्मल जो न्यूज़पेपर आती है ना, आप उसमें भी अगर ऐसे फोल्ड करके रखेंगे तो भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। तो आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए। और ये लिया है मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बनाने वाली हूँ, ये भी हमारे रोज़ के काम में आती है, आपको हर सब्ज़ी में लगती ही लगती है। तो अगर आप रोज़ ऐसे लेके और कट करने से बचना चाहते हैं तो आप इसका भी पेस्ट बना के रख सकते हैं। फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही अच्छा होता है, फटाफट से हो जाता है, आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने हरी मिर्ची की धोकर और उसे सुखा लिया है, डंडियाँ निकाल दी हैं और ऐसे मैंने ग्राइंड कर लिया है टुकड़ों में करके। और आप चाहें तो ऐसे दरदरा रख सकते हैं और चाहे तो महीन कर सकते हैं। और मैंने इसे प्रिजर्व करने के लिए ऑयल डाला है, मैंने इसमें राई का तेल डाला है सरसों ऑयल, और इसमें डाल रही हूँ मैं नमक, और इसे मैं वापस एक बार ग्राइंड कर लेती हूँ। और बिल्कुल दरदरा ही रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दरदरा सब्जियों में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, पर मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। और इसे भी आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं आराम से, 15 से 20 दिन तक चल जाएगा और बहुत अच्छा है। अगर आप वर्किंग वूमन हैं तो रोज़ के लिए ये सारे टिप्स आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप पालक पेस्ट बनाकर रखना चाहते हैं वो भी बहुत ही काम आती है, जैसे आप अगर पालक पनीर बना रहे हैं या पालक की पूरी बना रहे हैं, आलू पालक बना रहे हैं, तो रोज़ रोज़ आप ऐसे पालक लाकर और साफ़ करने में कितनी मेहनत लगती है, कितने घंटे लग जाते हैं। और अगर आप ऐसे रखेंगे तो आप फटाफट से बना सकते हैं। तो मैंने अच्छे से इसे वॉश कर लिया तोड़ कर और मैंने पानी में इसे बॉयल कर रही हूँ, और इसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बॉयल भी नहीं करना है, बस एक दो उबाल आ जाए बस हमें उतना ही इसे कुक करना है। और ये देखिए अच्छे से उबाल आने लगी है, और जब उबाल आ जाए तो उसे मैं निकाल कर ठंडे पानी में डालने वाली हूँ, डायरेक्ट गर्म पानी से निकाल कर ठंडे पानी में। वो इसलिए मैं ऐसा करना चाहती हूँ क्योंकि ये पत्तियों का कलर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ग्रीन ही रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं कर रहा है। और ये देखिए पानी ठंडा है और मैं इसमें से निकाल कर डायरेक्ट अपने जार में डाल रही हूँ, और इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। देखिए आप भी ऐसे ही पीस लीजिए। और मैंने गैस ऑन करके पैन चढ़ा दिया है और मैंने पेस्ट उसमें डाल दिया है पैन में, और इसे अच्छे से हमें मिलाना है, अच्छे से जब तक पानी थोड़ा इसका सूख ना जाए तब तक हम इसे मिलाएंगे। अब प्रिजर्व के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी आप खाने में यूज़ करना चाहते हैं या करते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जब भी आप सब्जियाँ बनाते हैं तो ऑयल की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि पहले से आपने पालक में ऑयल डाली हुई है। तो देखिए है ना बहुत ही काम की, और ऐसे स्टोर करके आप रख सकते हैं। और जब भी आपका मन करे पालक पूरी बनाने का, फटाफट से निकालिए, आटे में गूंदिए और बना लीजिए, या पालक की रोटी बना लीजिए, या आलू बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी पालक डाल दीजिए, तो ऐसे आप इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो मैं ऐसे फ्रिज में इसे स्टोर करके रखती हूँ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और हाँ फ्रेंड्स ये जो अदरक वाला जो है ना DIY बहुत ही अच्छा है, आप इसे अच्छे से इसका छिलके को सुखा कर, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है अगर आप पंखे के नीचे रखेंगे तो, और इसे आप चाय पत्ती में मिलाकर रखिए, बहुत ही माइंड ब्लोइंग फ्लेवर हो जाता है। आपको अलग से अदरक कूट कर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप ये ज़रूर यूज़ करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।